वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। मेरी आवाज थोड़ी अलग सुनाई देगी क्योंकि फिलहाल मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। तो बहुत दिनों बाद, या कहे बहुत महीनों बाद, कोई मूवी थिएटर में रिलीज हुई है और वो भी अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म बेल बॉटम। कहानी है एक रॉ एजेंट की जिसका कोड नेम होता है बेल बॉटम, जिसके थ्रू प्लेन हाईजैक को नाकाम किया जाता है। और वो रॉ एजेंट इसलिए बने क्योंकि उनके पास्ट में एक दुखद हादसा होता है एंड ही डिसाइडेड टू सर्व द नेशन। अब इस मूवी के अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो मुझे पर्सनली लगा कि कैरेक्टर को बिल्डअप करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया, जिसके वजह से हो सकता है कि फर्स्ट हाफ आपको बोरिंग सा लगे, पर उतना भी नहीं कि आप इसे झेल ना पाओ। फर्स्ट हाफ में एक लव सॉन्ग है, अक्षय कुमार के पास्ट के कुछ इमोशनल और कैरेक्टर को बिल्डअप करने वाले सीन्स हैं, जिससे उनकी एक इमेज ऑडियंस के दिमाग में बन सके कि क्यों वो इस मिशन के लिए चुने जाते हैं। हीरो है, करना तो पड़ेगा ही। बहुत सी जगह पर फिल्म के सीन प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं और आसानी से समझ में आता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि पब्लिक अभी स्मार्ट हो चुकी है। फर्स्ट हाफ के एंड मिशन अक्षय कुमार के हाथ में सौंपा जाता है और फिर इंटरवल के बाद होती है एक थ्रिलिंग कहानी की शुरुआत, जिसमें अक्षय कुमार को हाईजैक हुए प्लेन को वापस लाना है, वो भी उसमें बैठे सभी यात्रियों के साथ। कहानी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है, जिसको फिल्म में शायद मुझे लगा कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है या थोड़ा ज्यादा फिल्मी बनाया गया है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी फिल्म में गानों की जरूरत थी भी, बट बॉलीवुड है, गाने तो चाहिए। बट इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म के थ्रिल को और ज्यादा बढ़ा देता है। इस फिल्म के कुछ एक डायलॉग्स आपको हंसने पे और ताली मारने पर मजबूर कर देंगे। स्पेशली आदिल हुसैन जब रॉ की परिभाषा समझाते हैं, उस वक्त वो कुत्ते वाला एग्जांपल देते हैं जो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा, पर साथ ही ह्यूमरस भी। लेकिन हो सकता है कि ये डायलॉग सुनते वक्त अगर आप फैमिली के साथ बैठे हो तो खुल के हंस ना पाओ, वो डायलॉग ही कुछ वैसे वाला है। अक्षय कुमार अपने एक्टिंग के बीच बीच में कॉमेडी के लिए भी जाने जाते हैं, तो यहाँ भी आपको उनकी हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलेगी। वाणी कपूर ने इस फिल्म में अक्षय कुमार के लव इंटरेस्ट का रोल किया है, पर अगर इनका लास्ट वाला एक सीन छोड़ दिया जाए तो उनका काम बस ठरकी ऑडियंस को ट्रैक करने का ही था, उससे ज्यादा मैंने इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हाँ, एक्सपेक्ट मैंने हुमा कुरेशी के रोल के लिए किया था, पर उनका भी रोल बस एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह ही है। और स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा दो नामों को, आदिल हुसैन और लारा दत्ता। जब ट्रेलर आया तो सच में मुझे पता नहीं था कि इंदिरा गांधी का रोल लारा दत्ता ने निभाया है। हालांकि अगर भुज वाले इंदिरा गांधी और बेल बॉटम वाले इंदिरा गांधी को कंपेयर करें तो भुज वाले एक्ट्रेस का इंदिरा गांधी वाला रोल ज्यादा सूट कर रहा था, और इस फिल्म में लारा दत्ता की एक्टिंग अच्छी थी और उनका मेकअप भी बढ़िया किया गया था, पर वो लुक जो है वो ठीक ठाक सूट कर रहा था, बट एक्टिंग अच्छी थी। और आदिल हुसैन ने भी अपने रोल को काफी हद तक जस्टिफाई किया है विद सम हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। ये फिल्म आपको फर्स्ट हाफ से ज्यादा सेकंड हाफ में एंटरटेन करेगी, और क्लाइमैक्स के बारे में बहुत से हिंट आपको पहले से ही दी जाती है, जिसे लास्ट वाला सीन कुछ स्मार्ट ऑडियंस के लिए प्रेडिक्टेबल बन जाता है। लास्ट में एक ट्विस्ट जरूर है जो एंगेजिंग है। तो ओवरऑल ये एक वन टाइम वॉचेबल मूवी है, एक दो डायलॉग्स को नजरअंदाज करे तो आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हो। मैं दूंगा इस मूवी को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।